पक्के हरियाणा के सभी वीडियोस पाए सिर्फ एक क्लिक पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया हलके के गांव या थेड़ी वरियाम सिंह ढाणी। वरियाम सिंह नाम है इसका, छोटा सा एक कस्बा है। तो उस गांव में मैं मौजूद हूं और यहां पे आपको बता दूं कि सुनील गर्ग उर्फ टिशु प्रधान जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो डोर टू डोर एक जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में बता रहे हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सर, छोटा सा गांव है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लोगों का रिस्पांस? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमें। 11 सितम्बर से लेकर 15 सितम्बर तक जो हरियाणा में महाजनसंपर्क स्टार्ट हुआ है, उसमें हम डोर टू डोर जाके लोगों को जो बीजेपी सरकार में 5 सालों में कार्य हुए हैं उनसे अवगत करवा रही हैं और उनको अपने साथ जोड़ रही हैं। कल से हमारे माननीय श्री सुरेश भट्ट जी जो हमारे हरियाणा के संगठन मंत्री हैं, उन्होंने भी कल डोर टू डोर स्टार्ट किया था। सो सारे बीजेपी के जो नेता हैं वो 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक इस महाजनसंपर्क अभियान में रहेंगे और हमें लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सर, कितने गाँव आपने अब तक कवर कर लिए? हम कल 11 सितम्बर से कल से शुरू किया था हमने और हम अब तक 26 गांव निकाल चुके हैं। और अगर 15 सितंबर तक की बात करें तो लगभग क्या पूरे गांव हलके के गांव कवर करें? हाँ जी, 15 सितंबर तक हम पूरा रानिया हलका जो इसमें 87 गांव आते हैं तो हम ये सारा कवर कर देंगे। एक सर, अभी बीजेपी ने सूची जारी की है विधानसभा प्रभारियों की, उसमें 90 विधानसभा पे 90 प्रभारी नियुक्त किए हैं और लगभग लगभग वही प्रत्याशी थे जो टिकट के दावेदारे में शामिल हो रहे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये आला कमान की ये जो बातें हैं ये बहुत हाई लेवल की बातें हैं, इन पर मैं कोई भी कमेंट नहीं करूँगा। तो ये ऊपर वालों की जो भी सिस्टम से ही बैठेगा वही करेंगी। अगर समस्याओं की बात करूँ तो इस गाँव के अंदर, इस ढाणी के अंदर किस तरह की समस्याएं? ना, अभी तक मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, 5 सालों में यहाँ पे इतने गाँव हैं कि लोगों की कोई समस्या ही नहीं है। तो लोगों से मैंने पूछा कि अगर कोई समस्या है तो हमें बताएं, हमें अवगत कराएं, पर यहाँ पे 5 सालों में कितने कार्य हुए हैं कि लोगों के पास कोई समस्या बताने के लिए है ही नहीं। चलिए शुक्रिया। यहाँ पे मीरा देवी जी भी हैं, जो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से आप महिलाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं? देखो जी, महिलाओं के इतने काम हुए हैं कि महिलाएँ तो साथ जुड़ने के लिए तैयार बैठी हैं हमारे साथ। कैसे साथ बैठी हैं, क्या क्या ऐसे काम हुए हैं? उनकी सारी जो भी समस्याएं हैं सब पूरी हुई है जी, पूरी हुई है समस्या। आने वाले समय में आप किस प्रकार से अपने पार्टी के लिए कार्य करेंगे? पार्टी से काम कर रहे हैं जी, मैं तो 2008 से पार्टी में आई हूँ और उस समय से पार्टी की सेवा कर रही हूँ। बीजेपी पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी है और सबका साथ और सबका विकास हो रहा है और मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार 5 साल में रही है बहुत बढ़िया रही है और आगे भी इन्हीं को मौका देंगे जो आगे जो भविष्य में काम अच्छे होते रहेंगे। पहली बार 15 साल में हमने ये इतनी ईमानदार और समान विकास करने वाली सरकार देखी है। हम तो 15 साल से विपक्ष भोग रहे हैं अब, लेकिन अब की बार विपक्ष में नहीं बैठेंगे। हमें सबको पता है अभी बीजेपी आने वाली सरकार भाजपा की है, इसलिए हम सब भाजपा के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। जी भाई साहब, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, मोदी सरकार बहुत वधिया है जी, इत्थे भी बहुत वधिया काम हो रहा है जी। इस वास्ते जी असी नाल सारे टीकू प्रधान दे नाल जुड़े हुए हैं जी, बहुत वधिया इन्होंने सेवा करी है जी। इस वास्ते जी असी ये कहने हैं जी, बहुत वधिया माहौल है इत्थों दा जी। हाँ जी जी, तुसी की कहना चाहोगे सरकार बारे? असी तो वीर जी मोदी सरकार नाल रल के रहना चाहते हैं, जदों दे असी लगे हाँ रल के ही मोदी नूं जिताना है, मोदी नाल ही रहना है। अच्छा, तो कम किन्ने को होए थे? कम सारे साढ़े सही होंगे पे ने, सारे बीबिया महिलाओं के भी हो जाते हैं, कुछ रसोई भी सिलेंडर भी सब कुछ मिले मिली जाते हैं, सिलेंडर भी मिले ने, साड़िया बोटियां मिले ने, तो वधिया काम मिल जाता है। मोदी सरकार ठीक है, पैसा दे गरीबा वास्ते, तो
ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਣੀ ਹੈ। हाँ गरीब गरीब जड़ा हो गरीब की सहायता करता हूँ दूजे की नहीं करता तकड़े की नहीं करता। अच्छा। मोदी गरीब हादसा के गरीबों की सहायता करता। हाँ चलिए शुक्रिया। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि गांव के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना अच्छा खासा समर्थन दिया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से गांव की तमाम महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे सुनील गर्ग उर्फ टिशू प्रधान के साथ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास जताने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और डोर टू डोर जो कैंपेनिंग चल रही है भारतीय जनता पार्टी की उसमें अपनी एक अहम हिस्सेदारी दिखा रही हैं। कैमरा सहयोगी मुकेश बेनीवाल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।